यहाँ पे तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार भाजपा मुख्यालय की तरफ मार्च कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ सड़कों पे उतरे हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हम आपको दिखा रहे हैं। विद्यार्थियों का भविष्य खराब नहीं, 24 लाख विद्यार्थियों का भविष्य खराब नहीं, बल्कि इस देश का भविष्य खराब करने के लिए देश के प्रधानमंत्री इस हिंदुस्तान को गलत तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। इस तरह की तस्वीर दिखाई कि कैसे पुलिस प्रशासन यहाँ पे लगातार यहाँ पे मुशक्कत कर रहे हैं उनको रोकने के लिए। यहाँ हम देवेंद्र यादव हम आपको दिखा रहे हैं, इनको यहाँ पुलिस डिटेन कर रही है। हम रुकने वाले नहीं, बीजेपी हेडक्वार्टर जाके रहेंगे। नमस्कार, आप उल्टा समय यूसी देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी भाजपा मुख्यालय के पास है। ये भाजपा मुख्यालय के पास से हम आपको ये तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तमाम महिला और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार नीट परीक्षा को लेकर आज यहां भाजपा मुख्यालय की तरफ घेराव करने के लिए पहुंची है। जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर किस प्रकार से यहां पे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार भाजपा मुख्यालय की तरफ मार्च कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको लगातार यहां पे रोकने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस इनको रोक रही है कि आप उस तरफ नहीं जाएंगे। धारा 144 लगी हुई है और नीट परीक्षा को दोबारा से कराने के लिए ये तमाम लोग यहाँ सड़कों पे उतरे हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे कांग्रेस कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों का भविष्य खराब नहीं, 24 लाख विद्यार्थियों का भविष्य खराब नहीं, बल्कि इस देश का भविष्य खराब करने के लिए देश के प्रधानमंत्री इस हिंदुस्तान को गलत तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। अगर एक एग्जांपल दे दो, इतने महान साइंटिस्ट, इतने महान इसरो के साइंटिस्ट को भी इसी तरह बदनाम किया गया था। इस चंद्रयान 2 में चंद्रयान 2 फेलियर हो चुका है और चंद्रयान। ये तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इस तरफ की तस्वीर दिखाई कि कैसे पुलिस प्रशासन यहाँ पे लगातार यहाँ पे मुशक्कत कर रहे हैं उनको रोकने के लिए और उनको ये तमाम कार्यकर्ता, ये तमाम लोग कांग्रेस मुख्यालय से निकल कर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के तरफ जा रहे हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करने का भी प्रयास करते हैं, जो समझने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग कर रहे हैं। ये जो नीट परीक्षा में जो भ्रष्टाचार हो रहा है इतना, उसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा आप लोग कहाँ जाने का मांग कर रहे हैं? आगे जाएंगे, अभी ये बैरिकेड पहले लगवा देते मोदी सरकार का, आपको पता है पुलिस पहले आगे खड़ी कर देते हैं, डरते हैं वो पार्टी से। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे रखता है। क्या मांग कर रहे हैं आज? हम मांग कर रहे हैं सर, आप भी जो बता रहे हो प्रधानमंत्री पेपर लीक नहीं करवा सकते तो 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे करवाएंगे। जो आदमी पेपर लीक नहीं रखवा पा रहे तो कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन की मांग कर रहे, तो आपको लगता है? मैं ये कहता हूँ, जब पेपर में धांधली थी तो ये ईवीएम में भी धांधली थी। ईवीएम में धांधली थी तो ये सरकार आई है ना था। 100 सीटें भी मोदी की नहीं है, अगर ईवीएम में 100 सीटें नहीं है। आप देख लो, जो पेपर में नकल नहीं रुकवा सकता वो ईवीएम में धांधली कैसे रुकवाएगा। हम नीट के अंदर जो ये धांधलेबाजी हुई उसके लिए चाहते हैं कि उसका बच्चों का भविष्य खराब ना हो। जो प्रधानमंत्री ने किया वो बिल्कुल प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और नीट के लिए फैसला देना चाहिए, दोबारा एग्जाम होना चाहिए, हमारा ये मानना है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा तो कहा गया ना कि अब ये परीक्षा कैंसिल होने का कोई सवाल ही नहीं है। सर, कैंसिल होने का 24 लाख छात्रों का भविष्य है, अगर आप उनका भविष्य डुबो रहे, इसका मतलब आगे आने वाली जनरेशन है हमारी, आप उनके साथ क्या करें? आप ऐसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं जो पढ़े लिखे भी ना हो, झोला छाप डॉक्टर बनाना चाहते हैं क्या? नीट के अगर आप मार्क्स देना चाहते हैं, दोबारा एग्जाम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए, दोबारा एग्जाम होना चाहिए आपका भी। ये दोबारा एग्जाम होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि माँ बाप बड़ा पैसा खर्च करके, मेहनत करके, किसान के बच्चे होते हैं, मजदूर के बच्चे होते हैं, और जिस तरीके सरकार जो है उनके भविष्य से खेलती है, पैसा लेकर के घोटाला करते हैं, इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए देश में। इससे देश के बच्चों का भविष्य खराब होता है और देश का भविष्य खराब होता है, मेन चीज़ ये है। मांग कर रहे हैं युवाओं के लिए न्याय की, जिस तरीके से पेपर लीक जो हो रहे हैं इस देश में और मोदी सरकार जो है चुप्पी साधे हुए है, उस पर हम मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिसने ये भ्रष्टाचार किया है उसको पकड़ें और उसको कड़ी से कड़ी सजा दें और युवाओं के साथ न्याय करें। इतने बच्चों का भविष्य जो है वो ताक पर है। लड़कों ने 5 साल मेहनत की है, 24 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में है। ये धृष्ट राष्ट्र बने हुए हैं, धृष्ट राष्ट्र भी
आंखों से अंधा था लेकिन कानों से सुन सकता था। ये दृष्टार बने आंखों से भी अंधे हुए हैं और कानों से भी बहरे हैं। ये गूंगी बहरी सरकार है। हम तो चाहते हैं शिक्षा मंत्री हैं, इनको बर्खास्त नहीं, शिक्षा मंत्री को जेल में डालो। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का मामला है। और 24 लाख छात्रों का भविष्य का है, जिन्होंने रात दिन पढ़ के कोई टेबल की लाइट में, कोई सुबह कोई शाम मेहनत करते थे, उनकी मेहनत में इन लोगों ने पानी फेर दिया, भ्रष्टाचार को इन्होंने आगे रखा। वो भ्रष्टाचार की भी जांच हो, सीबीआई जांच हो, होनी चाहिए जांच। ये तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भीषण गर्मी में ये तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आज अपने सर पे बर्फ का सिल्ली लेके ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज बर्फ का सिल्ली लेके आप प्रति नहीं, जिस तरीके से हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर पेपर लीकेज चल रहे हैं, वो जिस तरीके से हर स्टेट में लीकेज हो रही है, बिहार से लेके कन्याकुमारी तक जिस तरीके पेपर लीक हुए, उसी का जवाब और हिसाब मांगने के लिए हम आए हैं। आज नोट देकर जिस तरीके पेपर लीक में धांधली चली है, उसी का जवाब और हिसाब मांगने आए हैं। आज ढोल बजाकर सो ही मोदी सरकार को जगाने आए, यही हमारा उद्देश्य है। आज मांग क्या कर रहे हैं? मांग हम करना चाहते हैं, जिस तरीके से आज बच्चों के भविष्य के साथ मोदी सरकार के प्रशासन और सरकार खिलवाड़ कर रही है, उसका जवाब मोदी सरकार क्यों नहीं देती? खुद मोदी जाके आगे जवाब और मन की बात क्यों नहीं करते? यही हम पूछने के लिए आए हैं। ये तस्वीर ये उस तरफ की तस्वीर दिखाइए, ये उस तरफ की तस्वीर दिखाइए, कैसे यहाँ पे डिटेंड करने की जो प्रक्रिया है, ये डिटेंड करने की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू कर दिया गया है और तमाम नेता तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से अब डिटेंड किया जा रहा है। महिला कार्यकर्ता भी हैं जो लगातार यहाँ पे बैठ गए हैं और उनका कहना है कि मैं सड़क से नहीं हट रहा हूँ, उसको लेके ये तमाम लोग हैं। ये तस्वीरें यहाँ पे देवेंद्र यादव जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष है, ये आपको हम देवेंद्र यादव हम आपको दिखा रहे हैं, इनको यहाँ पुलिस डिटेंड कर रही है और ये तमाम आपको ये तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और पुलिस प्रशासन इनको लगातार यहाँ पे डिटेंड कर रही है। ये दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, वो लगातार यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं और वो भाजपा मुख्यालय की तरफ जी क्या कहना चाहते हैं? ये सरासर गुंडागर्दी हो रही है। क्या कहेंगे सर आपको डिटेन करने? क्या कहेंगे? हमारा आइडिया जान देना। क्या कहेंगे? तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तमाम क्या कहेंगे? देखें जैसे बीजेपी तानाशाही करके हमें रोकने की कोशिश कर रही है, हम बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे, हम रुकने वाले नहीं, बीजेपी हेडक्वार्टर जाके रहेंगे हम। आप लोगों को लेकिन डिटेंड किया गया? हाँ, अरेस्ट किया गया, बड़ी मनमानी कर रहे हैं, प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जा रही, धारा 144 लागू करके अध्यक्ष जी के साथ में अरेस्ट कर लिया गया है। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी की बदमाशी है, भारतीय जनता पार्टी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहाँ से डिटेन करके ले जाया जा रहा है, ये तमाम भाजपा मुख्यालय का घेराव करने के लिए आज यहाँ पे पहुँचे थे लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम था और तमाम लोगों को यहाँ से डिटेन कर लिया गया है और ये रास्ता इस तरह पूरा खाली करवा दिया गया है। ये यहाँ पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को भी डिटेन किया गया है और भी कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता थे उन तमाम लोगों को यहाँ से एक एक करके डिटेन किया जा रहा है और अधिकतर लोगों को यहां से डिटेंट किया गया है और इनकी मांग थी कि नीट परीक्षा को फिर से दोबारा करवाया जाए, उसको लेके आज ये तमाम लोग यहां एक बार फिर से सड़कों पर उतरे थे। अब देखना है कि इसमें आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबर देखते हैं उल्टा समय। धन्यवाद।